आपको बता दें कि संभावित मंत्रियों की सूची आपको दिखाएंगे, हरियाणा कैबिनेट की संभावित लिस्ट, ये वो सूची है जिनमें से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है। अनिल विज का मंत्री के तौर पर शपथ लेना लगभग तय है और वहीं कंवरपाल गुर्जर भी आज शपथ ले सकते हैं। और अगर बात की जाए जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत तीन मंत्री होंगे तो जेजेपी के भी किसी मंत्री को आज शपथ दिलाई जा सकती है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके अलावा जेजेपी को मंत्री पद भी मिलेगा तो उनके किसी एक नेता को मंत्री पद भी दिया जा सकता है। और ऐसे में रामकुमार गौतम का नाम काफी आगे चल रहा है, कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं ईश्वर सिंह या रामचरण काला भी मंत्री हो सकते हैं, उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और तीन निर्दलियों को भी मिल सकती है कैबिनेट में जगह। अहम बात है कि निर्दलियों को भी जगह दी जा सकती है। रणजीत चौटाला, क्योंकि ये चौटाला परिवार से आते हैं, देवीलाल परिवार से आते हैं और जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है तो उन्हें मंत्री बनाया जाता है। रणधीर गोलन जो कि पुंडरी से जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं लेकिन बीजेपी से जुड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तो तब भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए थे बीजेपी की टिकट पर, इस बार निर्दलीय ये जीत गए हैं। वहीं जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर जोर रहेगा तो उस लिहाज से लगता है कि जातिगत समीकरणों के तहत कहा जा सकता है। वहीं महिला कोटे के तहत सीमा त्रेखा मंत्री बन सकती हैं। और अब चलते हैं हमारी संवाददाता पूजा वर्मा के पास, राजभवन के बाहर मौजूद हैं। जी पूजा, किस तरह की तैयारियां देखती हैं, क्या माहौल बनता नजर आता है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आरती, माहौल लगातार जो है यहाँ पर हलचल तेज हो रही है, समर्थक यहाँ पहुँचना शुरू कर गए हैं। और अगर आप देखेंगे जब हम सुबह यहाँ पर आए थे तो सिर्फ मीडियाकर्मी और पुलिसकर्मी नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जो हैं समर्थक यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। आप देखिए थोड़े समर्थक इधर खड़े हैं, कुछ हमारे पीछे देखेंगे अगर आप, तो जो है बीजेपी के समर्थक यहाँ पहुँचना शुरू कर गए हैं। हालांकि जेजेपी के समर्थक हैं वो भी कुछ देर पहले यहाँ आए थे, लेकिन अभी क्योंकि जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला जिन्होंने बनना है उनको उनके जहां पर वो ठहरे हुए हैं वहां पर उनके पास गए हैं, तो वहां से वो यहां पहुंचेंगे। तो तमाम अगर तैयारियां जिस तरह से पहले भी आपको दिखाई गई कि अभी किसी को एंट्री नहीं करने दी जा रही है और समर्थक अभी बाहर भी खड़े हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता हैं वो जो है यूटी गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई है, सिर्फ वीवीआईपी जो गाड़ियाँ या जो वीआईपी मोमेंट में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होनी है उन्हें ही यहाँ पर रखा गया है। और लगातार जो है यहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं, समर्थक पहुँच रहे हैं, जो भी शपथ लेंगे उनके समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कुछ नेता हो या फिर सीएम के कुछ फैंस हैं या दुष्यंत चौटाला के कुछ फैंस हैं या जो प्रशंसक हैं उनके, वो यहाँ पहुँचने शुरू कर गए हैं। अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है, हालांकि बिना पास के किसी को एंट्री नहीं देनी जा रही है और कहा जा रहा है कि 1 बजे के बाद ही जो है यहाँ पर एंट्री होगी और तमाम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। आपको पहले भी दिखाया है कि किस तरह से डीजीपी हरियाणा जो है वो भी अंदर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि कौन कौन अंदर आएगा, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होगा। एक बार अगर हमारी भी एंट्री हो जाती है तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे रहने वाला है, कौन किस हिसाब से बैठेगा। तो ये तमाम चीज़ों की जो तैयारियां हैं अंदर की वो अंदर जाके ही पता चलेगा, लेकिन हमने दिखाया कि रेड कारपेट यहां पर सज चुका है। बस अब इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे जो है यहां पर शपथ समारोह के लिए और उनसे मिलने के लिए, जिस तरह से अनिल मोर अभी बता रहे हैं कि उनसे मिलने के लिए लगातार विधायक पहुँच रहे हैं, निर्दलीय विधायक पहुँच रहे हैं। और आप ये देखिए भगवा कलर का जो कमल का निशान है जो कि बीजेपी का साइन भी है, उसे पहन के यहाँ पर समर्थक पहुँच रहे हैं बीजेपी के और काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनके लिए आज दिवाली का दिन है, हालांकि उनके लिए यही दिवाली है कि आज उनके चहेते और लोकप्रिय मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल शपथ लेने जा रहे हैं, फिर से सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं, प्रदेश की सत्ता का कमान संभालने जा रहे हैं, तो बेहद अहम दिन है उनके लिए। वहीं जो बात करें जेजेपी की तो उनके समर्थकों के लिए भी अहम दिन है क्योंकि 10 सीटें दी गई है, महज कुछ महीने पुरानी सरकार पार्टी को 10 सीटें मिलना
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में जहां उन्होंने उम्मीद करी थी और ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जो हैं हम दुष्यंत चौटाला को बनाएंगे, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम तो बन रहे हैं, तो उनमें भी खुशी की लहर है, मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ समर्थक नाराज़ है अभी भी कि बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया, लेकिन कुछ जो हैं बहुत खुश हैं। और कल भी जिस तरह से देखा, जब ये राज्यपाल से मिलने भी आए थे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर समर्थक मौजूद थे। जेजेपी और बीजेपी के दोनों मिलकर जश्न मना रहे थे। और शाम को जब सारी प्रक्रिया खत्म हुई, सरकार दावा पेश कर दिया, तो उनके कार्यालय के बाहर भी लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा थी। जो समर्थक थे उनके काफी ज्यादा उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे। और वहां पर जो तमाम तैयारियों की कल की किस तरह से प्रक्रिया रहने वाली है उसको लेकर भी वहां पर चर्चा हुई। और काफी ज्यादा ढोल नगाड़े बात करें तो वहां पर बजाए गए, तो खुशी की लहर समर्थकों में ज्यादा है कि उनके चहेते मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे, सत्ता की कमान संभालेंगे और उन दोनों का ही राज तिलक होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार जो है समर्थकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, धीरे धीरे जो है यहाँ पहुंचना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की अलग अलग जगहों से ये लोग आ रहे हैं अपने चहेते मंत्रियों को यहाँ देखने के लिए। अभी देखना ये भी होगा कि उन्हें एंट्री यहाँ मिलती है या नहीं मिलती है, तो अगर नहीं भी मिलती है तो इनके लिए स्क्रीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं कि आप देख सकते हैं कि अंदर जो कुछ भी होगा वो किस तरह से होगा और क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरह से शपथ समारोह लेते हैं, तो ये सब चीज़ें भी अंदर देखी जाएंगी। सर बात भी करते हैं इनसे, सर कहाँ से आएंगे? हम हरियाणा से आए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट कैथल। हाँ हाँ, किसके समर्थन में, किसकी शपथ समारोह देखने आए? हम भाई साहब दुष्यंत चौटाला का समारोह देखने आए हैं और डिप्टी सीएम बनने के बाद हमारा बहुत ज्यादा खुशी हुई है। हाँ, क्या उम्मीदें लगाते हैं, शपथ समारोह ले लेंगे, क्या करेंगे प्रदेश के? हम तो भाई साहब से यही उम्मीदें लगाते हैं, वो बीजेपी के साथ सीएम खट्टर के साथ मिलकर हरियाणा को बिल्कुल चारों ओर विकास और प्रगति दिखे, यही उम्मीद लेकर आज यहाँ समारोह में आए। हाँ, दिवाली का दिन है, वैसे लोग अक्सर घर पे रहते हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के लिए दिवाली से ज्यादा बड़ा ये चीज है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा दिनों बाद दिवाली आई है सही में, क्योंकि भाई साहब को आज डिप्टी सीएम बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। आप बताइए आज यहाँ पर शपथ समारोह में आए हैं, किस तरह से आपको लगता है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार मिलकर गठबंधन चलाएगी? माननीय मनोहर लाल जी को और भाजपा हाईकमान को बहुत